सबमिट कब करवानी थी? हाँ कोई बात नहीं, आपने तैयारी कर ली है इसकी? क्वेश्चन रेडी है? जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके तैयार हैं? जी बेटा जवाब दें जरा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपने तैयार किए कि नहीं किए अभी तक? एनीवन, आवाज आ रही है बेटा मेरी? जी बेटा, अरीबा, सैयद अनुश। जी स्टूडेंट्स। जी सर। जी बेटा, हाँ जी, क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों ने? जी जी सर, एक ही अभी तो किया था सर, बाकी अभी नहीं किया, आज वो करेंगे। नहीं, ये तो काम ठीक नहीं ना है। आपको तो मैंने असाइनमेंट के तौर पे ये चीजें दी थी, तो आप लोगों ने पूरी क्यों नहीं की? आपको करनी चाहिए थी। सर आपने नेक्स्ट वेडनेसडे का टाइम दिया था। नेक्स्ट यस वेडनेसडे? सर। कौन सा नेक्स्ट वेडनेसडे तक हमने ये 12 सवाल कर कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना? तो अभी से करोगे तो काम बनेगा ना? जी सर, ये कर लेंगे, इसमें चलो फिक्र ठीक मत है, ठीक है, कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो रात को कोई एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चंस हल करके भेजे थे। अच्छा, सबसे पहले अनुष मुझे ये बताओ कि ये एलएमएस के ऊपर किस तरीके से आपको मैं मैनेज करूंगा, ये आपकी क्या कहते हैं अटेंडेंस, क्लास अटेंडेंस? ओके, अच्छा, एलएमएस के ऊपर कहाँ पे मुझे आपको असाइनमेंट देनी पड़ेगी? सर सर, एल एम एस पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे देते हैं सर। टीम्स पे ही देते हैं? जी अच्छा सर। जी, यस सर, असाइनमेंट क्विज टीम्स पे आते हैं हमें। अच्छा, तो नहीं, एलएमएस पे एंट्री तो मैंने कर दी थी आपके क्वेश्चन नंबर 1 की। एलएमएस पे सर एंट्री हो इसमें गई तो थी आईडी नहीं, ना? हमें तो सर हमें LMS पे तो अभी तक तो कोई मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में भी कोई क्विज नहीं मिला, कोई असाइनमेंट नहीं मिली, हर जो असाइनमेंट टीम से मिली है हमें। अच्छा, चलो ठीक ठीक हो गया। नहीं, मैंने आपको ये बताया कि एलएमएस पे मैंने आपके क्विज के मार्क्स जो है वो अपलोड कर दिए हुए हैं, ठीक है, जी सर। वो आपने देख जी लिए? सर। जी देख लिए सर। नहीं सर। नहीं, मैं आपको ये जी सर, एक मैंने सेकेंड, देख आपने लिए सर। देख लिए हैं? ठीक हो जी गया। तो इसके अलावा ये होगा कि आप लोगों के जो जो भी मार्क्स होंगे, मैं फौरी तौर पे कोशिश करूंगा कि वो अपडेट हो जाएं, ठीक है? तो जी सर। मेरा ख्याल है, लेट्स सी लेट्स सी, ये देखिए आपके क्विज के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं। ओके, जी सर। अच्छा, अब इंशाल्लाह, सॉरी जी, ये चीज ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमने हल कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम आई है आपको? जी बेटा, कल रात मुझे किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट भी जो है वो रिसीव हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बताया बेटा मुझे। सर ने क्वेश्चन नंबर 2 तो किया हुआ, उसमें नहीं कोई प्रॉब्लम अच्छा, दैट इज गुड। आई। क्वेश्चन नंबर 3 में? सर वो भी मैंने किया नहीं। अच्छा चलें, मैं अभी आपके सामने ये असाइनमेंट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, और 32 ठीक हो गया जी। टैक्सेशन, ये असाइनमेंट नंबर 1 आ गई, और अभी ही आपके सामने ही मैं आपकी असाइनमेंट जो है वो
क्रिएट कर रहा हूँ सर। इस असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगेंगे जो आपने पहले दी थी? उसके भी लगाऊंगा बेटा। ओके असाइनमेंट नंबर टू ये हमने वेनेसडे तक कर दिए। कुछ स्टूडेंट्स लोबी में ऐड कर रहे सर। जी जी अभी अभी कर लेते हैं। ये वेनेसडे को नहीं, ये होगी ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे की रात 12 बजे तक आपने सबमिट करवाना है, ठीक हो गया जी? ट्यूसडे 13 ये ले जी, ये ले जी साइन हो गई, ये लें जी। और साथ में हम इन्हें एडमिट कर लेते हैं सारों को। अच्छा जी, मैं एक प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो ये है कि क्लास के अंदर मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूँ, अगर वो स्टूडेंट जवाब नहीं देगा तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। आई विल बी नोटिंग देयर नेम्स, ठीक है जी? और मैं उसकी अटेंडेंस उस स्टूडेंट की मैं नहीं लगाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आप सबको। तो ये आप लोगों की अटेंडेंस को मैंडेटरी करने के लिए ये मैं स्टेप उठा रहा हूँ, ताकि आप लोग अटेंटिवली क्लास को अटेंड करें, ठीक है जी? तो अच्छा जी, क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर वन हमने क्लास में कर लिया था, क्वेश्चन नंबर टू में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन नंबर थ्री में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि हम उसको अभी सॉल्व कर लें। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री में प्रॉब्लम आई है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर फोर में? जी क्वेश्चन नंबर फोर में कोई प्रॉब्लम आई हो? क्वेश्चन नंबर फाइव में? सबने हल नहीं किया लगता है, इसका मतलब है। यस सर, अभी नहीं किया, अभी किया नहीं है, टू और थ्री किया बस। अब टू और थ्री किए और टू, चलो टू और थ्री किया तो वेरी गुड, आपने टू और थ्री कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर फोर, और एक सेकंड मैं जरा देख लूं कि कौन सा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। तो ओके, जी क्वेश्चन नंबर फाइव थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको देखते हैं। बल्कि क्वेश्चन नंबर सिक्स ही करवाता हूं मैं आपको, उसमें कवर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको आज क्लास में करवाऊंगा, और उसके बाद फिर आप लोग जो हैं वो बाकी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करके 12 तक तो आप लोग सबमिट करवाएंगे। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन आपका ठीक नहीं सॉल्व हुआ होगा, तो उसको हम फिर देख लेंगे। और बल्कि ये होगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ सॉल्यूशन जो है इसके आपको शो ऑफ करवा दूं क्लास के अंदर ही, ताकि आपके अगर कोई क्वेश्चन आपने फॉर्मुलेशन गलत की हुई है तो वो हमारी हमें नजर आ जाए, ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर फाइव को मैं अब स्टार्ट करने लगा हूं, सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स को। जी तो मेरे साथ कौन कौन शामिल होंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करने में? जी स्टूडेंट सर, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये कौन है बेटा, कौन बात कर रहा है? उमर इकबाल। उमर इकबाल, वेरी गुड उमर जी। तो साथ में हम ये भी खोल लेते हैं, और जी क्लास
रबीन आई थी। जी तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे सामने ओपन है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में है क्या। डिटरमिन टैक्सेबल इनकम टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर मोहम्मद अली फॉर द टैक्स एंडेड 30 जून 2021 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये लें जी इंफॉर्मेशन उनकी आ गई हमारे सामने है और इस इंफॉर्मेशन को हमने एंटर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मेट के तहत हम इनको इनकी एंट्री करेंगे, फॉर्मेट को एंटर कर लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद हम बाकी चीजें देखते हैं। मिस्टर मोहम्मद अली मोहम्मद अली साहब हैं और इनका हमने आज टैक्स जो है वो कैलकुलेट करनी है और इसके टैक्स कैलकुलेशन के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले क्या है जी इनको हम लिखेंगे क्या लिखेंगे जी सर नेम लिखेंगे फिर टैक्स ईयर 2021 ठीक हो गया डेट लिखेंगे डेट भी लिख ली और रेजिडेंशियल स्टेटस भी लिख लिया और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में हम जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम सैलरी को हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बेसिक सैलरी वो बता रहे हैं अच्छा ये ले बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी देखी हमने ही ना ये लो मारने जा रहे हम अच्छा जी बेसिक सैलरी है जी 800,000 और इसको हम पर मंथ नहीं है लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये पर एनम है हम इसको इसी तरीके से मेंशन कर देंगे और मेरे ख्याल से स्टूडेंट जो है वो आ रहे हैं हम इनको ऐड कर लेते हैं। ले जी हमने दो स्टूडेंट्स और ऐड कर लिए और सर एनम का मतलब भी मंथ होता है किसका एनम का मतलब होता है सालाना सालाना जी सर हाँ मंथली एम लिखा होगा पर मंथ PM उसका मतलब होगा ठीक है जी जी सर एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिए मैं अपनी बेटी को छोड़ा हूँ जरा उस साइड पे पर वो शोर करेगी छोटी सी है ऐसा जी बेटा आ जाओ मामा अच्छा जी जी तो बेसिक सैलरी पर एनम जो है वो हमारे सामने है 8,00,000 रुपए उन्होंने बताया हमें और बेसिक सैलरी के बाद स्पेशल एडिशनल अलाउंस जी स्पेशल एडिशनल अलाउंस को हम क्या करेंगे जी बेटा इसकी क्या ट्रीटमेंट थी कोई बताएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग जी अच्छा इसके बाद है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ठीक है जी ठीक है एक से मैं कंप्लीट नोट्स भी साथ में खोल लेता हूँ हमारी जो चीजें हैं तमाम हमारे सामने खुली होनी चाहिए हाँ जी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस का क्या करेंगे हम टोटल टैक्सेबल टोटल टैक्सेबल है बिल्कुल जी टोटल टैक्सेबल ही है और हम इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ही हमारे सामने आ गया कोई अगर हमारे जहन में था कि यार ये इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे तो वो जो
शक था वो दूर हो गया और अब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को हम टोटली टैक्सेबल कर देंगे जी। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस टोटली टैक्सेबल, और टोटली टैक्सेबल है तो ये 2 लाख रुपया हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। नहीं जी, 2 लाख रुपीज हमारा यहाँ पे मेंशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है जी स्पेशल एडिशनल अलाउंस। स्पेशल एडिशनल अलाउंस इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी बेटा? जी बेटा इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी कोई बताएगा? जी मूसा क्यों लास्ट क्लास में किया नहीं हमने ये? सर वो तो टोटल अपने टैक्स पेबल किया है। वो क्या किया हुआ हमने? इसको भी ऐड करेंगे। टोटल अपने इसको ऐड किया हुआ टैक्स पेबल है। हाँ तो टोटली टैक्सेबल होगा ना बेटा, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपको नहीं दिया जा रहा। अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दिया जा रहा होता अगर कंपनी की तरफ से तो वो फिर एग्जेम्प्ट होना था। ये तो आपको दिया जा रहा है और एडिशनल आपको पे दी जा रही है तो इसको भी हम टोटली टैक्सेबल करेंगे। रिसर्च अलाउंस के मुतालिक क्या आपकी राय है? रिसर्च अलाउंस का क्या करें जी? सर ये रिसर्च अलाउंस स्पेशल टास्क के लिए दिया जा रहा है तो ये पता नहीं क्या इसका क्या हिसाब करेंगे? नहीं 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 नहीं, वो स्पेशल एडिशनल अलाउंस या स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ, उसको लिखा जाएगा ठीक है। तो ये रिसर्च अलाउंस है, ये रिसर्च अलाउंस भी जो है वो टोटली टैक्सेबल होता है ठीक है। रिसर्च अलाउंस भी जो है वो टोटली टैक्सेबल है। यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया गया लेकिन ये समझ लें कि यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए था इसको, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया। लेकिन ये स्टडीज के लिए या कुछ भी आपको कोर्स के लिए है तो ऑब्वियसली फिर आपको ये देना पड़ेगा, इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। रिसर्च अलाउंस, रिसर्च अलाउंस को हम फिर मेंशन कर देते हैं जी। ये है जी हमारा 70,000। और रिसर्च के बाद यूटिलिटीज अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस की क्या ट्रीटमेंट है? टैक्सेबल अलाउंस टोटली टोटली टैक्सेबल सर। अच्छा इसमें एक बड़ी मजेदार चीज लिखी हुई है इंक्लूडिंग पेट्रोल फॉर जनरेटर 20,000 ठीक है जी। तो हमने उसको इग्नोर करना है और हमने 50,000 जो है इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। एड हॉक अलाउंस जो है, एड हॉक अलाउंस भी टोटली हमारा टैक्सेबल चलेगा 30,000 यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया। और फिर ऑर्डरली अलाउंस, ऑर्डरली अलाउंस में जो है वो अदर अलाउंसेस में आता है और ये भी हमारा टोटली टैक्सेबल चलेगा। सर ये एडहॉक अलाउंस क्या होता है? अचानक से जी सर, कोई अचानक से एक चीज आपको दे दी जाए एडहॉक बेसिस के ऊपर ठीक है, इसका पहले ना बताया हो लेकिन आपको ये अलाउंस दे दिया जाए। खैर आगे चलते हैं। ऑर्डरली अलाउंस के बाद कॉन्सेशनल लोन रिसीव्ड एट द 6% फ्रॉम एम्प्लॉयर ठीक है जी। आपको लोन मिला है रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, ये एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम एम्प्लॉयर ठीक है जी। एग्जेम्प्ट है जी। ये एग्जेम्प्ट क्यों है? तो 10 लाख से नीचे या एट द रेट ऑफ 6% जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, ये 10 लाख से नीचे है एट द रेट ऑफ 6% और अमाउंट भी इसकी जो है वो 4 लाख है तो इसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स लेकिन अगर ये लोन होता 14 लाख का तब इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी थी? फिर टैक्सेबल क्या होना था? यहाँ पे क्या अमाउंट आनी थी सर? इसका फिर हमने 4% करना था 14 लाख का। कैसे 4% करना था सर? वो 10% जिसको इसका बेसिक सैलरी से वो 10% ये है और 6% इसका ये हो जाता, वो 4% रह जाता।
उसका जो डिफरेंस आता 10 और 6 में, इसकी लॉजिक सुन ले। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटा? शहबाज अहमद सर। शहबाज, वेरी गुड, आपने सही बताया। इसमें ये होता है कि हमने कहा था कि 10% तक अगर उसने दिया हुआ है, अगर आप प्रॉफिट दे रहे हैं 10% तक लोन के ऊपर, दैट इज ओके। लेकिन अगर आप 10% से कम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो जो बकाया परसेंटेज है वो आपका जो है वो बेनिफिट है, उस बेनिफिट को हमने टैक्सेबल करना है। ठीक है जी, तो उस बेनिफिट को हम टैक्सेबल कैसे करेंगे? 10 माइनस 6 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10% था, 10% आप नहीं दे रहे, आप सिर्फ 6% दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4%। 4% ऑफ 14 लाख को बेसिक 14 लाख। बेटा क्या 14 लाख का 4% हमने लिया तो वो बना 56,000, और 56,000 जो है वो फिर हमारा यहाँ पे हमने मेंशन करना था कि 56,000 का हमें बेनिफिट हो रहा है और उसको हमने टैक्सेबल करना था। इसको करना था 56,000 का। ये पॉइंट अगर ना समझ आया हो तो मुझसे पूछ ले दोबारा। जी बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर समझ आ गया। मैंने कहा तो वो मैं बेसिक सैलरी से माइनस कर लगा था इसको, बस ठीक है। नहीं नहीं, बेसिक सैलरी में से नहीं माइनस करना, बेसिक सैलरी का से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अब इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट, और इसको क्योंकि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा तो हम यहाँ पे इसको अंदर 400,000 को मेंशन कर देंगे, और इसको मैंने कंट्रोल यू कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ताकि हमारा ये यहाँ पे क्लोज हो जाए। ये था जी हमारा लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, और लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर के बाद अगली एंट्री हमारी कौन सी है जी? ज़कात पर्सनली पेड टू पुअर रिलेटिव। इसको क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। अच्छा, ज़कात पेड को टैक्सेबल करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ जी? नहीं सर, ये टैक्सेबल नहीं होगा सर, इसको ये टैक्सेबल नहीं होगा करेंगे, और ना अच्छा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपने पूरे रिलेटिव्स को दी है और गवर्नमेंट के फंड में नहीं दी या रेकग्नाइज फंड में नहीं दी, तो इसकी अमाउंट फिर हम टैक्सेबल इनकम में से माइनस नहीं कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन पे ये भी हमें जो है वो टैक्सेबल होती है, क्वालिफिकेशन पे जो है दैट इज टोटली टैक्सेबल। टैक्सेबल है जी ये 20,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन द एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन, क्या मतलब है कि जी बेटा सर, अगर हम किसी एम्प्लॉयर्स का जो इंस्टीट्यूशन है उसके हमारा बच्चा पढ़ रहा है जी, तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होगी। अच्छा जी, वो पीछे कुछ और बात कर रहे थे स्टूडेंट जी, क्या कह रहे थे बेटा? सर मैं कह रहा था अगर ज़कात किसी अदारे को देते तब टैक्सेबल होती, तब टैक्सेबल। बेटा टैक्सेबल नहीं होती वो ज़कात। देखो आप पहले कमाई कर रहे हैं 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपए में से ही ज़कात दे रहे हैं आप जी, ठीक है। वो फिर ये क्या होता है कि वो अमाउंट जो जो आपने ज़कात की मद में दी होती है वो माइनस हो जाती है टैक्सेबल इनकम में से। ठीक हो गया। ठीक है, सपोज आपकी 10 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम है, आपने 15,000 रुपया जो है वो ज़कात दी है, तो 10 लाख में से आप 15,000 माइनस कर देंगे तो 9,85,000 रुपया जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। खैर, एक यहाँ पे नया पॉइंट आया है और उस नए पॉइंट को हम हल कर लेते हैं जी, और वो पॉइंट है जी एजुकेशन का। एजुकेशन का, चिल्ड्रन की एजुकेशन की बात की जा रही है कि चिल्ड्रन एजुकेशन जो है फैसिलिटी इन द एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन। अब एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूशन में अगर चिल्ड्रन की एजुकेशन हो रही है, दैट इज एन एडिशनल बेनिफिट, और ये टोटली एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए कुछ मिलता है तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं? तो अंडर सेक्शन 60D, ठीक है जी, एन इंडिविजुअल शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। ठीक है जी, डिडक्शन मिलती है उसको
ट्यूशन फीस के हिसाब से, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते रहते हैं। प्रोवाइडेड दैट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज लेस देन 1500,000 एंड द पेरेंट मेकिंग द पेमेंट शुड प्रोवाइड हिज एनटीएन और नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, आपके अगर पेरेंट की सैलरी 15 लाख रुपए से कम है सालाना की, तो उसको एंटाइटलमेंट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर उसने को ट्यूशन फी दी है तो उसकी डिडक्शन उसको अलाउड है। ठीक है जी, द अमाउंट ऑफ द डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 5% आउट ऑफ टोटल ट्यूशन फी पेड फॉर द ईयर, या फिर 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल मल्टीप्लाइंग बाय 60,000 पर चिल्ड्रन की, उसकी 60,000 पे तक जो है ट्यूशन फी उसको डिडक्शन की जा सकती है। और इसके अलावा देखते हैं जी, इसके अलावा अगर आपकी मुझे बुक में से कुछ नहीं इस टाइम पे मिला, मैं आपके नोट्स में से देख लेता हूं जी हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन द एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट बट फी आउटसाइड इज टैक्सेबल। ठीक है जी, ये अगर वो बता रहा है कि अगर हमें बाहर के लिए फीस दे तो दैट इज टैक्सेबल हो जाएगी। यहां पे उसने इसको क्लियर भी कर दिया है कि ये आपकी चिल्ड्रन एजुकेशन फी पेड बाय द एम्प्लॉयर इज टोटली टैक्सेबल, दैट इज अनदर बेनिफिट विच वी आर गेटिंग, और इसको भी हम टैक्सेबल कर देंगे। फॉन्ट कलर नहीं चेंज करना भाई, हमने तो ये करना था काम जी। ये हमने यहां पेज को भी कवर कर लिया है। ठीक हो गया जी, अब आगे आ जाते हैं। टोटली टैक्सेबल हो गया और क्वालिफिकेशन पे के बाद ये जो है चिल्ड्रन एजुकेशन फी इन द एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन विच इज एग्जाम्ड, जी बेटा पॉइंट समझ आ गया है? सर ये आ गया सर, आपने इसका वो वहां से सर नेट प्रॉब्लम हो गई थी जहां से आप 60,000 बता रहे थे। अच्छा, वो ये है कि अगर एक बंदा है वो चिल्ड्रन की अपनी एजुकेशन के लिए पे कर रहा है, उसकी अगर सैलरी 15 लाख रुपए तक है, तब अगर 15 लाख रुपए से कम है तो उसको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी, और वो रिडक्शन जो होती है वो कितनी हो सकती है, 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फी पेड फॉर द ईयर, या फिर 25% ऑफ पर्सन टैक्सेबल इनकम हो सकती है मैक्सिमम, या फिर पर चिल्ड्रन की उसके 60,000 पे की उसको रिडक्शन मिल सकती है। विच एवर ऑफ द अबव थ्री इज लेस, जो भी कम होगा इन तीनों में से उसको उसके ऊपर एग्जेम्प्शन मिल सकती है। ठीक है जी, अगर कहते हैं तो इसकी कोई प्रॉब्लम भी हल करवा देता हूँ आपको, लेकिन पहले हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसके बाद मैं आपको उसको कंप्लीट करवा देता हूँ। उसको छोटी सी एक प्रॉब्लम है, हम उसको वो भी हल कर लेते हैं। ठीक है जी, चिल्ड्रन एजुकेशन फी इन द एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन दैट इज 25,000, एम्प्लॉयर ने अपना इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है और उसके अंदर ही एजुकेशन हो रही है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट। अभी 25,000 रुपया जो है चिल्ड्रन एजुकेशन फी इज एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। आगे है जी, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉई पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज, क्या है
5% करेंगे सर 5% लगेगा 5% वेरी गुड कन्वेंस अलाउंस ही कहेंगे थी इसको और आगे 9 लाख का मल्टीप्लाई बाय 0.05 5% लेंगे और इज इक्वल टू 45,000 9 लाख इनटू 0.05 45,000 आ गया। ये कैलकुलेशन अब हमारे लिए बड़ी आसान हो गई क्योंकि हमें सीख लिया ना। यस सर। अच्छा जी कॉम्पेंसेशन फॉर टेम्पररी डिसेबलमेंट जो है वो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कैश विड्रॉवल्स फ्रॉम बैंक अभी कैश विड्रॉ किया है बैंक से इसकी क्या इसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक की सर ये मतलब किस सिनेरियो में आएगा कि कैश विड्रॉल किया कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक सोचो इसके अंदर क्या होता है क्या इसमें चीज छुपी हुई है सर वो जो हम कैश बैंक से विड्रॉ करवाते हैं उस पे तो वो पर लैक पे जो भी टैक्स होता है जी बिल्कुल है। बिल्कुल 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 1 लाख के ऊपर कितना टैक्स होता है 600 सर नॉन फाइलर के लिए वो 600 होता है नॉन फाइलर के लिए वो 600 होता है तो 600 का मतलब क्या है कि इक्वल टू 1 लाख सॉरी 600 था इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 100,000 एंटर किया तो ये 0.006 है 0.006 का मतलब क्या है कि आपने 0.6% जो है आपको टैक्स लगा हुआ है कितना लगा हुआ है 0.6% आपको टैक्स लगा हुआ है इसके ऊपर 0.6% तो 0.006 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी अमाउंट हम निकालेंगे अब यहाँ पे हमने कितने निकाल रहे हैं 60,000 निकाले इज इक्वल टू 60,000 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.006 के साथ तो ये आ जाएगा 360 रुपीज ये हमारे ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है होल्डिंग टैक्स या इसको हम कहेंगे एडवांस टैक्स और ये एडवांस टैक्स को फिर हम इसको एंड पे माइनस कर लेंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ये हमने इसको अभी बैठे बैठे ही सॉल्व कर लिया टैक्स पेड ऑन मोटर व्हीकल दैट इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट सॉरी एडवांस टैक्स उसके बाद एडवांस टैक्स हो जाएगा सर ठीक है और इसके बाद आती है कंट्रीब्यूशन इन वर्कर्स वेलफेयर फंड आपने कैश विड्रॉ को दोबारा बताना कैश विड्रॉ दोबारा बताना अच्छा चलिए बड़ी अच्छी बात है जी अगर हमारे से फौरी तौर पे सवाल आ गया कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक का मतलब ये होता है कि आपने बैंक अकाउंट में से अपने पैसे निकाले तो क्या उसको हमें टैक्सेबल इनकम में शामिल करना चाहिए मेरा सवाल ये था तो आप बताएं मुझे आपको क्या समझ लगती है कि अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकालना है तो क्या उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा सर लगता है ये तो एडवांस टैक्स है ये तो एडवांस टैक्स है ध्यान अब ये समझो ना लॉजिक क्या है असल में आपने बेसिक सैलरी कमाई है 8 लाख रुपया अब वही पैसे आपने बैंक में रखने हैं ना तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं इस 8 लाख के ऊपर तो आप टैक्स कैलकुलेट पहले ही कर रहे हैं तो ये अमाउंट जो 60,000 है ये 8 लाख रुपए में से ही है वही अमाउंट है ना 8 लाख आपने बैंक में रखे हुए हैं तो उसी में से आप 60,000 निकलवा रहे हैं तो डबल टैक्स किस चीज के देने आपने तो इसके ऊपर टैक्स बनता नहीं है तो अब लेकिन जो गवर्नमेंट की हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके ऊपर ये है कि आपने पॉइंट जो है वो 6% इसके ऊपर टैक्स है यानी कि 1% भी नहीं है 0.6% इसके ऊपर टैक्स है तो 0.6 को हमने मल्टीप्लाई की डिवाइड कर दिया हमने 100 से तो 0.006 आ गया कि 0.006 की फिगर है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जितनी भी अमाउंट हम निकालेंगे 50,000 से अबव के ऊपर ठीक है 50,000 से कम होगी तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता
तो 50,000 से अबव के ऊपर हमने इस अमाउंट को मल्टीप्लाई किया 0.006 के साथ, तो हमारे पास आ गया 360 की अमाउंट। अब ये 360 जो है हमने एडवांस टैक्स दिया है, क्या दिया है हमने एडवांस टैक्स दिया है, और इस ये क्योंकि टैक्स हम दे चुके हैं तो इस अमाउंट को हम फिर बाद में लेस करेंगे। वो बाद में किस तरीके से लेस करेंगे वो भी हम जब सवाल पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसको आपको दिखा देंगे कि हमने कहां पे इसको कम किया। फिर टैक्स पेड ऑन मोटर व्हीकल, दैट इज ऑल्सो जो है एडवांस टैक्स। फिर एंड पे आ जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन इन वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर वेलफेयर फंड जब वो 2 लाख पूरा निकाल लेता है। अगर किसी को अगर जरूरत हो के 2 लाख उसको चाहिए वो अपना निकाल लेता है सैलरी का, लेकिन वो बाद में अगर वही 2 लाख वापस बैंक अकाउंट में डालेगा दोबारा उस पर टैक्स लगेगा। जी बेटा, अगर वो देखो ना बड़ी मजेदारी की बात है, वो 2 लाख रुपया उसने रखवाने पे टैक्स नहीं है, निकलवाने पे टैक्स है, वो विड्रॉल पे टैक्स। और विड्रॉल पे टैक्स भी इस तरह है कि अगर आपने 50,000 से ऊपर की अमाउंट निकालोगे तब टैक्स पड़ेगा, 50,000 से कम की अमाउंट निकालोगे टैक्स नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया सर। एक और क्वेश्चन था। जी बेटा। सर ये जो सैलरी बेस्ड पर्सन होते हैं जो सैलरी पेड पर्सन होते हैं। जी जी। नहीं नहीं, फाइलर आपको बनना पड़ता है बेटा। जी जी सर, वो तो मुझे पता है। हाँ जी। लेकिन जी बेटा पूछे मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी में। जी बेटा। तो वो अगर अपना बिजनेस अलग से शो करवा के वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, फाइलर बन सकते हैं। जी जी बिल्कुल 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 सही है। ठीक, यही पूछ। फाइलर होने के लिए पता क्या काम करना पड़ता है, आपकी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो रही होती है अगर आप एम्प्लॉय हैं। ठीक है। जी जी जी। उस तब भी आप फाइलर नहीं बनते। ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मैं एक इंस्टीट्यूट से पैसे लेता हूं 1.5 लाख रुपया। ठीक है। और वो मुझे मिलता है टीचिंग का, तो वो मुझे मिलता है हर तीसरे चौथे महीने के बाद मुझे मिलता है। सपोज कर रहे हैं हम, या मुझे छठे महीने में मिलता है, तो मुझे एक साल की इनकम वहां से कितनी होगी, मुझे 3 लाख रुपये होगी उधर से। जी सर। अब मुझे 3 लाख रुपया अगर एक इनकम हो रही है तो मुझे जब पेमेंट मिल रही है तो वो टैक्स काट के मिल रही है। बिल्कुल। क्या हो रहा है, टैक्स कट रहा है और मुझे पेमेंट मिल रही है, और वो टैक्स जो है वो एडवांस टैक्स कट रहा है। जी सर। अब सपोज मैं आपसे कहता हूँ 3 लाख रुपए के ऊपर हमने इनकम टैक्स अप्लाई होता है कि नहीं होता, बताए मुझे। नहीं सर, नहीं होता सर। नहीं होता ना, 6 लाख के ऊपर होता है। तो अब क्या ऐसा प्रोसीजर होगा जिससे मुझे ये जो मैंने टैक्स दिया हुआ है ये मुझे वापस मिले। इसके लिए वो फाइलर आपको फाइलर बन के रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो जब मैं टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तब ही वो अमाउंट मेरे अकाउंट में आएगी, या नेक्स्ट ईयर के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि अभी वो सिस्टम नहीं बना जिसमें जो है वो इंडिविजुअल को टैक्स रिटर्न मिले। अभी सिंपली ये होता है कि आपके नेक्स्ट ईयर में जो है वो अमाउंट जो है वो चली जाती है। खैर, ये तो अब आपका पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब लास्ट पॉइंट अभी हम देख रहे थे कॉन्ट्रीब्यूशन इन वर्कर्स वेलफेयर फंड। वर्कर के वेलफेयर फंड के अंदर आपने 2 लाख रुपया जो है वो जमा करवाया, तो क्या इसको टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा टैक्सेबल? नो। जी बताएं मुझे क्यों नो, क्यों नहीं होगा, किस वजह से नहीं होगा? ये आपने बोला था किसी भी फंड में या ज़कात बैंक को देते हैं तो वो एंड में माइनस करवाते हैं टैक्सेबल इनकम से। अरे नहीं बेटा, इसकी ये लॉजिक नहीं है। ज़कात की अलहदा है। ज़कात की ट्रीटमेंट ये होती है कि ज़कात आप अपनी सैलरी में से देते हैं। ठीक है,
सैलरी में से आपने वो जकात दी तो आपके ऊपर आपकी जो सैलरी है वो कम हो जाती है उसकी वजह से, और ऑब्वियसली इस्लामिक टैक्सेशन की बुनियाद है जकात। तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी ने जकात दी है तो वो अमाउंट हम इसमें से जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से माइनस कर देते हैं एंड के ऊपर। लेकिन ये कॉन्ट्रीब्यूशन इन वर्कर वेलफेयर फंड है, इसकी हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या चीज मिल रही है। अगर यहाँ पे अगर कुछ चीज नहीं मिल रही तो मैं आपको इसकी बताता हूँ कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हमें यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है नजर, डी फेयर असिस्टेंस इंटरेस्ट ऑन, अच्छा जी इसमें सिर्फ पेंशन का लिखा हुआ है और ग्रेचुटी का लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। लेकिन ये आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन की है एम्प्लॉयर वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंदर या किसी भी फंड के अंदर, तो वो अमाउंट जो है वो आपकी बेसिक सैलरी में से जा रही होती है। जब वो बेसिक सैलरी में से जाएगी तो दैट अमाउंट विल नॉट बी टैक्सेबल, क्योंकि आप उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स जो है वो दे रहे हैं। ठीक है जी, 8 लाख में से आपको 6 लाख मिल रहा है, 2 लाख जो है आपका वो एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड में जा रहा है, तो इसको हमें दोबारा से टैक्सेबल में डालने की जरूरत नहीं है। खैर ये अब इसको मेंशन करेंगे हम यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्कर्स वेलफेयर फंड, दैट अमाउंट इज 200,000 और बोल यू किया और इसके बाद हम आगे आ गए। सर इसका आपने क्या लॉजिक बताया था सर, वो मैंने कहा ये 8 लाख के अंदर ही शामिल है, इसको हम टैक्सेबल नहीं करते। ठीक है, ये अमाउंट पहले से ही शामिल है तो इसको हमें टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हमारे पास 2 पॉइंट्स उसने दिए, 3 पॉइंट्स बल्कि उसने दिए हमें, वो क्या है जी, मिस्टर मोहम्मद अली प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। ले जी, अकोमोडेशन अलाउंस का क्या होता है, अकोमोडेशन फैसिलिटी मिली हुई है जी और फैसिलिटी के अंदर उसको ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट एट द रेट ऑफ 40% पर मंथ। अच्छा जी, 40% पर मंथ के ऊपर अगर हम देखें एंटाइटलमेंट उनकी थी 40,000 बेसिक सैलरी इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 4,80,000 इज इक्वल टू 4,80,000 का हमने क्या लिया है, पॉइंट कितना लेना जी, तो नहीं लेना हमने मल्टीप्लाई में 12 भी करना था ना, हमें पता चल गया 4,80,000 रुपया एफएमआर है इसकी, क्या एंटाइटलमेंट है जी, एंटाइटलमेंट आ गई 45% ऑफ, अब फिर 45% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी यहाँ पे हमें स्केल दिया हुआ इन्होंने एमटीएस, नो सर नहीं दिया हुआ, अब फिर हम लेंगे जी 45% ऑफ बेसिक सैलरी, दैट इज इक्वल टू 45% 0.45 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख करेंगे तो ये आ गया 3,60,000। अब इसमें से हमें कौन सा लेना है जी, कौन सी अमाउंट है, 480 लेंगे सर, 4,80,000 जो है हम लोगों ने यहाँ पे इसको ट्रीटमेंट कर ली जी, 4,80,000 को हम टैक्सेबल कर देंगे अकोमोडेशन फैसिलिटी के अंदर। और इसके बाद अगला पॉइंट है एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी एग्जेम्प्ट ऑफिशियल टूर के अंदर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आ गया कितना,
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है जी 45,000 एडवांस टैक्स हो जाएगा सर एडवांस टैक्स है लीव एनकैशमेंट के साथ हमारा क्या ट्रीटमेंट होता है टोटली टैक्सेबल होगा सर जी टोटली टैक्सेबल है लीव एनकैशमेंट ठीक है जी दैट इज टोटली टैक्सेबल और टोटली टैक्सेबल हो तो हम इसको टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देते हैं यहाँ पे 1,00,000 रुपए हमने इसका शामिल कर दिया वॉज पेड ऑन July 5th ठीक है जी हमें July 5th को भी मिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने अभी आगे लेके जानी है ये 360 जो था ये अमाउंट हमारी आएगी आगे और 25,000 का हमने टैक्स दिया है इसके अलावा अभी हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इसके अलावा मोटर व्हीकल का टैक्स है हमने कितना दिया हुआ 10,000 ये था और इसके अलावा कोई चीज रहती है कैश विड्रॉवल्स का हमने देख लिया मोटर व्हीकल्स का देख लिया और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज थी जी ज़कात की थी डिडक्शन ज़कात पर्सनली पे की है 5,000 ये चीजें हमारी अभी छूट गई थी 5,000 हमने पर्सनली अपने रिलेटिव को पे कर दी है अब ये इन चीजों की हम लोगों ने कैलकुलेशन देखनी है किस तरीके से करना है अब ये मैं कर रहा हूँ इसको एड सबके सबको तो ये हमारी जो टैक्सेबल इनकम आ गई है टोटल इनकम ये निकल के आ गई 18,56,000 और जकात की डिडक्शन इसमें से नॉट टू बी डिडक्टेड एज नॉट रिकॉग्नाइज्ड पेड टू रिकॉग्नाइज्ड ठीक है जी यहाँ पे हम डिडक्शन ये 5,000 की नहीं कर रहे ठीक है ये मैंने इसको सेपरेटली मेंशन कर दिया ताकि जब आप सवाल हल करने बैठे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कंट्रोल बी और ऑब्वियसली फिर हमारी जो टैक्सेबल इनकम निकल के आ रही है दैट इज 18,56,000 यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ टैक्सेबल इनकम अब टैक्सेबल इनकम के लिए फिर हमें क्या खोलना पड़ेगा स्लैब्स खोलनी पड़ेगी स्लैब्स क्या स्लैब बनेगी 90,000 प्लस 15% अमाउंट एक्सीडिंग 18,00,000 वेरी गुड जी अब मैंने टैक्स स्लैब खोल दी सारों के सामने जैसे ही ओपन होती है तो आप सब देख लेंगे कि टैक्स स्लैब कौन सी में फॉल करता है ये जी सर ये 360 आपने ये क्या लिखा सर 360 है मैं इसकी अभी एक्सप्लेनेशन दोबारा दे देता हूँ ठीक है जी टैक्स स्लैब में ये आ जाता है जी इनकम टैक्स कितना बन रहा है जी इसका सर 18,00,000 ये 18,00,000 में आ रही है 56,000 ये 90,000 पहले है और 56,000 का 15% का 15,000 15% सॉरी ऐड करना है एडिशनल इज इक्वल टू 56,000 मल्टीप्लाई बाय कितना लेंगे हम इसका 15% 0.15 ये बन जाता है जी 98,400 98,400 जो है हमारा टैक्स बन रहा है ठीक है जी अब 98,400 में से अब हम लेस करेंगे एडवांस टैक्स में हमारा कौन कौन से टैक्स है जी सबसे पहले हमने दिया जी हाँ जी 360 कहाँ से आया 60,000 रुपया मैं दोबारा बता रहा हूँ ये अभी एक स्टूडेंट ने भी सवाल किया था
60,000 रुपया जब हम बैंक से विड्रॉ करेंगे तो हमें उसके ऊपर 0.6% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। असल में ये है, पहले 25,000 के ऊपर होता था लेकिन बाद में इन्होंने 50,000 पे कर दिया। तो जब भी 50,000 या 50,000 से ऊपर की रकम निकाली जाएगी इकट्ठी बैंक से तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स का रेट है 0.06%। और दैट इज एन एडवांस टैक्स, दैट इज अ विदहोल्डिंग टैक्स, और ये बैंक्स कलेक्ट कर लेते हैं और ये फिर गवर्नमेंट को चलाता है। ऑब्वियसली हम अपनी अमाउंट के ऊपर पहले टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो दे दिया हुआ है हमने अगर टैक्स, तो उसको फिर हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो 60,000 के ऊपर 0.006 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 360 आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं जी कैश विद ड्रॉल टैक्स पेड, फर्स्ट आपका ये आ गया जी। सेकंड हमने पे किया है टैक्स पेड ऑन मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के ऊपर टैक्स जो दिया है दैट इज एडवांस टैक्स और दैट इज 10,000, ये अमाउंट भी जो है वो कटेगी। इसके अलावा हमें वो बता रहा है कि 25,000 रुपया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, टैक्स ऑन सैलरी कितना है जी 25,000, ये भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये तीन टैक्सेस की अमाउंट जो है वो ऐड होगी और इज इक्वल टू 360 प्लस 10,000 प्लस 25,000, ये आगे जी 35,360 की अमाउंट। ठीक है जी, क्या अमाउंट आ गई? 35,360 की अमाउंट आ गई। और जी बेटा इसको माइनस करेंगे, यस सर, हम माइनस करेंगे इज इक्वल टू 98,000 माइनस 35,360, तो 63,040 जो है ये टैक्स टू बी पेड निकल के हमारा आ जाएगा। यस सर, टैक्स टू बी पेड है हमारा 63,040। ये जी क्वेश्चन नंबर 6 था। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अभी मेरे ख्याल से कोई एंटर हुआ है जी, तो सर जी हम भी एक्सेल पे कर सकते हैं, एक्सेल पे कर आप भी एक्सेल पे करें। ठीक है, आपको मना किसने किया है? सर आपने कहा था पेपर पे करनी है। नहीं नहीं, मैंने आपसे कब कहा है कि पेपर पे करना है? सर हमने ग्रुप में कहा था। हाँ वो इसलिए कहा था कि आप लोग प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, लेकिन अब अच्छे तरीके से इसको करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। यस सर, लीव एनकैशमेंट। अच्छा जी, ग्रीन शीट खत्म हो गया जी? जी मैंने अभी खत्म किया खुद भी। अच्छा एक छोटी सी यहाँ पे अमेंडमेंट है, हमने क्या करना है कि ये लीव एनकैशमेंट ऑन जून 5 है, ठीक है जी, ये जून 5 है, ये जुलाई 5 नहीं है। ठीक है जी बेटा? ओके सर। ठीक है, ये जून 5 है, इसको हमने जून 5 ही कंसिडर करना है। अगर जुलाई 5 होगी तो इसको हम फिर नेक्स्ट ईयर में लीव इन कैशमेंट को ना नेक्स्ट ईयर की पे में ले जाएंगे। ठीक है, हमने इसमें कंसीडर किया है तो हम इसी में लेंगे इसको जून 5 को। अगर नेक्स्ट ईयर में होगी तो हम लोग इसको नेक्स्ट ईयर में,
ले जाएंगे। लेकिन क्योंकि एक और असूल भी था कि ये आपने अर्न कर लिया इसी महीना, इसी साल की अर्निंग है ना, तो इसी साल के अंदर ही आनी चाहिए। खैर अब जो कैलकुलेशन है हमारी दैट इज एक्यूरेट, दैट इज गुड, और फिर हम इसको जो है ये अब आप इसको देख लें सवाल को, कोई इसमें से क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं आपको एक छोटा सा पार्ट वो करवाता हूँ और फिर इसके बाद फिर आपने बकाया सवालों को हल करना है, ठीक है जी। और अगर आपको कोई पॉइंट्स हो जो कि आपने समझने हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप पे नहीं पूछना तो आप मुझसे जो है वो नेक्स्ट क्लास में भी उसको पूछ सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन है आपका पूछने का? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा? सर वो एक पॉइंट है, ज़कात वाज डिटेक्टेड जी, वो 240,000 है सर, वो जरा बता दीजिए। ज़कात वाज डिटेक्टेड रुपीस 240,000। अब आपने क्या करना है, ये जो अमाउंट हमारी यहाँ पे आई है ना, ज़कात नॉट टू बी डिडक्टेड, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 240,000, ठीक है। और टैक्सेबल इनकम 18,56,000 है ना, उसमें से माइनस कर दूंगा 240,000 रुपए। लेकिन जब वो फिर माइनस में चले गई थी, यानी क्या चली जाएगी माइनस में, मतलब जो टोटल पेपल टैक्स होगा ना। अच्छा, तो कोई बात नहीं है। अच्छा मतलब जो ये आप हमारा आया था 18,56,000, इसमें से माइनस करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टैक्स की अमाउंट में से नहीं माइनस करेंगे हम, 18,56,000 जो कि हमारी टैक्सेबल इनकम थी या टोटल इनकम थी, उसमें से माइनस करेंगे और फिर हमारे पास जो है ना वो टोटल टैक्सेबल आ जाएगा। टोटल इनकम में से माइनस करेंगे फिर हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ये देखो ना, यहाँ पे मैं 240,000 सपोज माइनस कर देता हूँ, तो कंट्रोल यू करके अब ये मैं माइनस करने लगा हूँ, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये कोई आ जाएगी 15-16 लाख समथिंग आ जाएगी, 16,16,000। अब 16,16,000 के ऊपर बाकी जो कैलकुलेशन है वो मैं करूंगा। अब एक चीज ये नोट करो कि पहले 18 लाख की स्लैब में आ रहा था ये, अब 18 लाख से जंप करके ठीक है, तो ये ज़कात जो है आपकी स्लैब रेट भी कम कर देती है, याद रखिएगा, ज़कात आपकी स्लैब रेट्स भी जो है वो गिरा देती है। और ये एक तरीका है, मैं फिर बता रहा हूँ ये एक तरीका है अपनी टैक्स बचाने का, ये टैक्स बचाने का भी तरीका है, ठीक हो गया। और एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और बेकरी से वो रिलेटेड है, वो बहुत ज्यादा ज़कात देता है और उस ज़कात की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाता है, याद रखिएगा जी। मैं नाम नहीं ले रहा उसका, लेकिन एक इंस्टीट्यूट ऐसा भी है जो कि ज़कात देता है हॉस्पिटल्स को, और फिर उसको फिर FBR ने वॉर्न किया कि आपने जितनी भी ज़कात देनी है उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, और डॉक्यूमेंट के बाद आप फिर ज़कात जो है वो देंगे। खैर, लेट्स हैव योर अटेंडेंस प्लीज, पहले हम अटेंडेंस ले लें जी। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को दे रहे हैं। एक सवाल जी बेटा, शौकत खानम हॉस्पिटल है सर जी? नहीं, शौकत खानम को नहीं दे रहा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक और उसको दे रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में, अलावा हॉस्पिटल कौन सा सर जी? जी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिक सैलरी के साथ MTS भी दिया हुआ है, तो हम बेसिक सैलरी को, बेसिक सैलरी को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे या MTS को करेंगे? किस चीज के लिए हमने करना है? MTS को। क्वेश्चन नंबर 4, हां हां, तो हम निकाल क्या रहे हैं अभी? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के लिए 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, और MTS की वैल्यू को इग्नोर कर देना। MTS की वैल्यू कब आती है? जब आप कोई क्या कर रहे होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस अकोमोडेशन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तब आएगी ना MTS। यस सर, ठीक है।
या अगर कोई आपने और अलाउंस कैलकुलेट करना है जिसमें आपकी एमटीएस चाहिए हमें, तब उसको हम इस्तेमाल करेंगे एमटीएस को, वरना एमटीएस देखो बात ये है, मिनिमम टाइम स्केल का मतलब क्या है, मिनिमम आपकी सैलरी कितनी थी 40,000, आपका हर साल 5,000 का इंक्रीमेंट होगा और आपकी सैलरी स्केल जो है वो 80,000 तक जा सकती है, आपको इस स्केल पे रहते हुए 80,000 रुपए तक मैक्सिमम आपकी सैलरी जा सकती है, ये है मिनिमम टाइम स्केल। अब राइट नाउ आप 50,000 रुपए के ऊपर खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने 2 साल यहाँ पे लगा लिए हैं, आपकी 2 साल लग चुके हैं और 50,000 रुपए आपकी सैलरी है, आपको 50,000 रुपए ही मिल रहा है ना भाई एवरी ईयर, तो 50,000 के हिसाब से सॉरी पर मंथ आपकी सैलरी चल रही है, 50,000 मल्टीप्लाई में हम 12 करेंगे कि इस साल की इनकम इतनी आ रही है हमें। ले जी आप अटेंडेंस लगा लेते हैं और जल्दी जल्दी से अटेंडेंस लगवा लो भाई। ये बिल्डर आदमी कौन है भाई, ये कौन है, मोहम्मद उसाम? नहीं सर, ये इसने उसकी किचन लगाई हुई है किसी ने। अच्छा जी, आमना अली ऑलवेज एब्सेंट, तो शी इज एब्सेंट, तो हम एब्सेंट कर रहे हैं। इसके बाद अरीबा, अरीबा इज नॉट एब्सेंट। जी अरीबा इज एब्सेंट है, प्रेजेंट है आप अरीबा? सर जी प्रेजेंट हूँ। जब कोई मैं सवाल करता हूँ तो आप जवाब नहीं देती हैं, अब जब आपकी अटेंडेंस की बात आती है तो आप जवाब दे रही हैं। अरीबा बाज आ जाए बेटा, कुछ ख्याल किया करें, क्लास पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स होते हैं, आपको पता है ना इस चीज का। अच्छा जी अरीबा के बाद आ गया जी काशिफ, काशिफ इज एब्सेंट, मोहम्मद उसाम इज प्रेजेंट 35, और 35 के बाद आ जाता है जी 90 इज एब्सेंट सबूर, सबूर है जी क्लास में मौजूद, मुझे नहीं लगता जी सबूर साहब प्रेजेंट है, और सबूर के बाद है जी मोहम्मद अब्बास 97 ही इज प्रेजेंट, सैयद अनूश जी अनूश प्रेजेंट है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आलम जी, अब्दुल्ला आलम 133 एब्सेंट, ओके अब्दुल्ला आलम इज एब्सेंट। अली हसन जी, अली कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर प्रेजेंट। जी जी ओके फाइन, 137 था, 137 उमर इश्तियाक एब्सेंट, उमर इश्तियाक के बाद आ गए जी मोहम्मद साद ताहिर 148, मोहम्मद साद ताहिर एब्सेंट, शाहान साजिद, शाहान साजिद इज आल्सो एब्सेंट, और फिर शिराज अहमद एब्सेंट, तलहा बिन आसिफ एब्सेंट, और फिर हमजा हुसैन, हमजा हुसैन इज आल्सो एब्सेंट, मोहम्मद अब्दुल्ला वसीम, यस अब्दुल्ला वसीम इज प्रेजेंट, और उसके बाद चौधरी बकास अली इज प्रेजेंट, शहबाज अहमद प्रेजेंट, ओके 177 उसामा इदरीस इज प्रेजेंट, उसके बाद 183 इज प्रेजेंट, 184 अवैस इज प्रेजेंट, 186 इज प्रेजेंट, 188 जरनाब इज प्रेजेंट, हादी मलिक इज प्रेजेंट, और उमर इकबाल इज प्रेजेंट, अलीशा प्रेजेंट, अलीशा के बाद है जी हमजा, हमजा इज एब्सेंट, ईशा ताहिर इज प्रेजेंट, मोहसिन प्रेजेंट, ईशा बिन्त ताहिर प्रेजेंट, जी मोहसिन ओके सर, हमजा खान प्रेजेंट है सर, वो उनकी लाइट चलेगी अभी, उसका मैसेज आया भाई का, मुझे तो नहीं मैसेज आया उसका ग्रुप पे, लाइट चलेगी, उसने मुझे सिम पे मैसेज किया, वो आपको नहीं मैसेज कर पाया सर, इंटरनेट ऑफ हो गया सर उसका। अच्छा जी शुक्रिया सर, कोई बात नहीं बेटा, ओके जी मोहम्मद ईशा बिन्त ताहिर इज प्रेजेंट, और उसके बाद है जी मोहम्मद अदनान आमिर प्रेजेंट, उसके बाद अब्दुल मोईद, अब्दुल मोईद इज एब्सेंट, और
Mohammad Shahbaz 251 is absent. Mohammad Taha 257 present. Musa Suhail present. Mohammad Najam Saleem present. Or Zuhaib Amjad is present. Leji, aapki attendance आज तो बहुत पुअर है भाई. 12 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. क्या वजह है? लास्ट है ना सर. सर ला जी बेटा. जी सर, मैंने कहा सर वो एक आपकी क्लास भी अटेंड हो जाएगी तो सर आप वेडनेसडे तक सर लास्ट डे सबमिशन कर रखते हैं. क्या मतलब? कोई ऐसी सर आपने ट्यूसडे किया हुआ ना असाइनमेंट में. हाँ जी. तो सर वो वेडनेसडे कर दें ताकि सर कुछ ऐसा पूछने वाला भी हो तो क्लास में एक क्लास अटेंड कर लें. तो वेडनेसडे रात 12 बजे तक सर करवा दें सबमिट असाइनमेंट की डेट. नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप पहले करेंगे. जी जी. अगर मैंने लास्ट रात 12 बजे तक किया ना तो फिर ये अगली क्लास के बाद चली जाएगी. तो इसीलिए आप ट्यूजडे को करेंगे ताकि मैं अगर कोई क्वेश्चन है तो वेडनेसडे को आप पूछ लें. बेटा सही करो या गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ठीक है सर. फिर ठीक ठीक है ना. सही या गलत करने की इशू नहीं है. इशू ये है कि आपने ट्राई खुद करनी है. जी सर. यस सर. ठीक है. और एट द एंड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि ये चीजें जो है वो सही नहीं है या ये गलत है, तो आप उसको एंटर करवा सकते हैं. ले जी सबूर साहब तो आ गए हैं, सबूर को भी हम प्रेजेंट कर देते हैं. तो बाकी सारे जो है अभी कोई और आया नहीं. 25 अटेंडीज हैं आज हमारे पास. 26 है जी. ठीक हो गया. और अटेंडेंस जो है बेटा अपनी मेंटेन करें, ये जो है ठीक काम नहीं है. बता दीजिएगा कि अटेंडेंस नाम ले रहे जरा. एब्सेंट है जी मोहम्मद शहबाज, अब्दुल मोईज शहजाद, उसके बाद आ रहा है जी हमजा हुसैन, तलहा बिन आसिफ, शिराज अहमद, शाहान, साजिद, मोहम्मद साद ताहिर, उमर इश्तियाक, अब्दुल्ला आलम और काशिफ नईम, आमिना अली. ये सारे के सारे जो हैं वो लड़के कितने हैं? सारे लड़के दोस्त हैं आपस में. तो बस ठीक है ना. आज उन्होंने कहीं बंक मारा है तो क्लास में से भी बंक हो गए बेचारे. खैर हालांकि घर से एजुकेशन मतलब एक दफा समझा दें. किस वाला? सर वो एजुकेशन एम्प्लॉय इंस्टीट्यूशन वाला. जी जी वो मैं अब करवाने लगा हूं उसको एजुकेशन वाला. इनकम टैक्स जी. इनकम टैक्स टू बी पेड और हम सैलरी में आ गए. अच्छा जी इसके लिए अब आप ये सोचिए, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ. स्क्रीन नहीं आ रही है. स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन तो मैंने ऑफ ही की ही नहीं है. आ रही है. आ रही है सर. आ रही है ना? स्क्रीन तो ऑफ नहीं की मैंने बेटा. आ रही है. आ रही. आप जरा दोबारा रिफ्रेश करें इसको. जी एजुकेशनल एक्सपेंसेस. अच्छा जी एजुकेशनल एक्सपेंसेस की जरा एग्जाम्पल क्या समझाता हूँ कि एक बंदे हैं जी उनकी टैक्सेबल इनकम इज टैक्सेबल इनकम है जी इनकी 900,000. ठीक है जी. ही हैज पेड रुपीज 60,000 इन्होंने दिया है. He has paid 60,000 as tuition fee of his 4 children. चार बच्चों की इन्होंने फीस दी है 60,000.
हाउ मच अमाउंट विल बी अलाउड टू हिम एज डिडक्शन, ये डिडक्शन की अमाउंट कितनी हो सकती है इसकी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑप्शन है जी इनके पास कि 5% ऑफ ट्यूशन फी पेड, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 60,000, दैट इज इक्वल टू 3 ऑफ, सॉरी ये 60,000 नहीं है, ये है जी 6,00,000 रुपया, ठीक है जी, और ये बन जाएगा 5% ऑफ 6,00,000 इज इक्वल टू 30,000। ये या तो ये एग्जेम्पशन मिल सकती है, सेकंड है जी 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम इनकी है जी 9,00,000 रुपया, तो 9,00,000 रुपए का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे, दैट इज 2,25,000। और नंबर थ्री है जी इसकी, नंबर थर्ड, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू 60,000 और 4 बच्चे हैं इनके, तो ये अमाउंट बन जाएगी 4 × 60,000, दैट इज इक्वल टू 2,40,000। तो इन तीनों में से सबसे कम कौन सी है, इन तीनों में से सबसे कम है जी 30,000 विल बी अलाउड एज डिडक्शन, जिस तरह ज़कात कटती है उस तरह ये 30,000 रुपया भी हम काट लेंगे और फिर इनकी निकल आएगी टैक्सेबल इनकम, ठीक है जी। टोटल इनकम में से लेस किया हमने ज़कात को, और अगर ज़कात के साथ साथ फिर हम इसको भी हम माइनस कर देंगे और फिर हमारे पास ये डिडक्शन है जी, हम डिडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सवाल पूछने तो पूछिए मुझसे। और क्वेश्चन नंबर हमने 6 हल किया है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं और मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिक सैलरी इज 40,000 पर मंथ, पे स्केल 30,000, 2,044,000 है, बोनस है 1,20,000 रुपए का, ये सालाना है, ये टैक्सेबल है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे पॉइंट में हम क्या करेंगे जी, कोई मुझे बताया गया इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन बेसिक सैलरी उसका MTS ले लेंगे मिनिमम टाइम जी, 45% ऑफ दी MTS यहाँ पे लेके तो उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। सैलरी ऑफ माली दिस इज टैक्सेबल, कन्वेंस प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय फॉर पर्सनल यूज एक्वायर्ड ऑन लीज, अच्छा जी पर्सनल यूज के लिए तो इसका 10% आएगा। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी जी, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इसका क्या करेंगे हम, ये जी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। Reimbursement of medical expenditure, this is also exempt from tax. Medical allowance जो है ये taxable होता है कितना, 10% of MTS और basic salary. Basic salary. अच्छा जी. Balance amount of interest free loan waived off by the employer. ये बड़ा मजेदार point है. इसके अंदर क्या करेंगे हम? Excuse me, sir. जी बेटा, इसमें 7 और 8 पॉइंट में मेडिकल एक्सपेंडिचर भी है और मेडिकल अलाउंस भी है, तो कोई बात नहीं, एक एक जो मेडिकल एक्सपेंडिचर वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल हो जाएंगे, टोटली टैक्सेबल हो जाएंगे ना, टोटली टैक्सेबल हो जाएंगे या फिर परसेंटेज हो जाएगी इसकी, नहीं सर दोनों चीजें है ना, दोनों चीजें हैं, तो फिर हम क्या करते हैं इसमें दोनों चीजों के साथ, जो फैसिलिटी होती है ना, जो फैसिलिटी होती है ना उसको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं और जो अलाउंस होता है वो फिर टोटली टैक्सेबल हो जाते हैं। चले एक बड़े मजेदार पॉइंट आपने दिया है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, जबरदस्त हो जाएगा हमारा पॉइंट, ये लें जी मेडिकल अलाउंस और इफ ओनली मेडिकल अलाउंस इज पेड देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है जी, and remaining amount would be added in taxable income,
क्या हो रहा है जी, अगर ओनली मेडिकल अलाउंस दिया जो अब एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10%। इन केस ओनली मेडिकल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड देन इट इज टोटली एग्जेम्प्ट। ठीक है जी, इफ बोथ अलाउंस एंड फैसिलिटी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन देन फैसिलिटी इज टोटली एग्जेम्प्ट एंड अलाउंस इज टोटली टैक्सेबल। वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट। ये जो पॉइंट था आपने अच्छा उठाया और ये पॉइंट वेल टेकन है जी, आपने ठीक ठीक बिल्कुल कहा, इसमें टोटली टैक्सेबल हो जाएगा ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये देखा ना, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर मेरे दिमाग से कुछ स्किप हुआ है तो आपने उसको फौरी तौर पे पकड़ लिया है। और ये चीज पता है कब आती है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाए, रीइंबर्समेंट होगी, बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर। 3 लाख रुपए का वेवर मिला है तो इसका क्या होगा ट्रीटमेंट, इसको हम एग्जेम्प्ट करेंगे क्यों? सर 10 लाख से नीचे नहीं, बात सुनो ना, इसको ये क्या कह रहा है, बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर। ये 3 लाख आपका फायदा हो गया, आपने जमा करवाना था उसको वापस करना था, 3 लाख का फायदा हो गया, दैट विल बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल इनकम के अंदर आपका चला जाएगा। ठीक है, इसको टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। स्पेशल रिलीफ अलाउंस टैक्सेबल, सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी एग्जेम्प्ट, मोटर व्हीकल टैक्स पेड ये बाद में डिडक्ट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय 10,000, ये क्या करेंगे हम, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय बैंकिंग कंपनी, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, इसको हम अभी यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे, इसको हम अभी इग्नोर करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, इसको इसमें से इग्नोर करेंगे। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है जी, इसको अभी यहाँ पे इग्नोर कर दो। चिल्ड्रन एजुकेशन फी पेड बाय द एम्प्लॉयर 53,000, ये आ जाएगा, क्या होगा इसको, क्या करेंगे हम, चिल्ड्रन एजुकेशन फी दी है एम्प्लॉयर ने, दैट इज टैक्सेबल। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, दैट इज टैक्सेबल। टर्मिनेशन एक्सपेंस रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर आफ्टर 30th June 2021 ₹200,000, ये इस साल में नहीं आ रहा, नेक्स्ट ईयर में आएगा, इसको हम अभी छोड़ देंगे। टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स फ्रॉम, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी 50,000, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आएगा और ये एंड पे हमारे एडवांस टैक्स आ जाएगा, इसको हम एंड पे जाके ट्रीट करेंगे। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7 और आप लोगों का क्लास का टाइम भी अप हो गया है। 11 और 9 पॉइंट जरा दोबारा बताइएगा, पॉइंट नंबर 11 और 9 और 9, यस सर। 11 में है सब्सिडाइज्ड लंच फैसिलिटी, अगर लंच फैसिलिटी आपको सब्सिडाइज्ड मिलेगी तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसके ऊपर आपने टैक्स नहीं देना। 9th है बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लोन वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर ₹3 लाख, आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ था तो उस लोन टैक्सेबल था या नहीं था, 10 लाख से कम था या नहीं था, ये सवाल नहीं है। यहाँ पे ये हो रहा है कि यार 3 लाख रुपए आपको एम्प्लॉयर से मिला और आपने अब एम्प्लॉयर को वापस नहीं करना, दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, आप लोगों की इनकम हो गई, वरना आपने 3 लाख रुपया उसको वापस करना था, ऑब्वियसली आपने कटवाना था, आपकी सैलरी उससे कम होनी थी, लेकिन ये आपको एक बंदे से लोन लोगे और उसको वापस नहीं करोगे तो आपकी इनकम हो गई, तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और दैट पर्सन इज योर एम्प्लॉयर, तो ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आएगा तो आपको इसके ऊपर टैक्स देंगे, टोटली टैक्सेबल होगा। इसके अलावा कुछ समझ में आपने बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करिएगा यहीं पे जी बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 ये लें जी, क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर हो गया जी बेटा। इसमें अब ये सीनियर पोस्ट लोन्स है, टैक्सेबल है ये, टोटली टैक्सेबल जी, टैक्सेबल। इसके बाद ये रीलोकेशन अलाउंस, ये भी टैक्सेबल है, ये रीलोकेशन अलाउंस का लिखा हुआ है, देखो क्या पे मैं आपको दिखाता हूं, ये रीलोकेशन अलाउंस आप देखो वो क्या लिखा हुआ था इसके ऊपर, टैक्सेबल ही था, ये देखे ना, ये देखे रीलोकेशन अलाउंस टोटली टैक्सेबल, ये हमने पढ़ लिया है। यस सर,
सर ये एक और है, फीस फॉर द फ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर, इसके नीचे ये। हाँ तो ये भी टोटली टैक्सेबल है, ये टोटली एग्जेम्प्ट है, सॉरी ये टोटली एग्जेम्प्ट है। पर ये क्वेश्चन नंबर 4 में है जी बेटा, इसमें ये एक और है क्वेश्चन नंबर 4 में। जी जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। ज़कात वाज डिडक्टेड रिस, हाँ जी ज़कात वाज डिडक्टेड ₹2,40,000, ये एंड पे जाके माइनस हो जाएगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट मैंने बताया, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम सवाल हल कर रहे हैं ना, ये सपोज अभी हमने सवाल क्वेश्चन कहाँ हल किया, ये किया सॉरी, मैंने अभी बताया कि ये आपकी टोटल इनकम निकल आई, टोटल इनकम के बाद आपने यहाँ पे से 2,40,000 रुपया माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आएगा? इसके ऊपर बताया तो नहीं गया कि किसको पे किया है? नहीं ये डिडक्टेड एट सोर्स होगी ना। अच्छा ठीक है, डिडक्टेड होगी तो फिर इसका मतलब है ये किसी ऑथराइज्ड पर्सनल को जा रही है। ठीक है तो फिर हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी कम हो जाएगी। ओके सर, जो पांचवे में वो था सर होटल बिल्स पेड बाय कंपनी। हाँ तो कंपनी अगर ऑफिशियल यूज के लिए गए हैं तो फिर ठीक है, अगर पर्सनल ट्रेयर के लिए गए हैं तो फिर आपका ये टैक्सेबल आ जाएगा। सर अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ ना, ये पर्सनल ट्रिप लिखा है ना, प्लेयर ट्रिप है, पर्सनल ट्रिप है। ठीक है और सर नीचे ये परचेज ऑफ डोमेस्टिक एयर टिकट। हाँ परचेज ऑफ डोमेस्टिक एयर टिकट के ऊपर अगर आपने परचेज की है तो ठीक है, लेकिन अगर ये आपको परचेज करके दी गई है तो, अगर कंपनी ने दी है तो फिर तो आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना, लेकिन सॉरी फिर ये टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने दी है तो इसके ऊपर टैक्स की एक अमाउंट होगी। और मैं अभी आपके सामने खोल देता हूँ जी, ये लें जी अभी पता कर लेते हैं जी। ₹5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ टिकट, 5% है इसकी, ठीक है 5% हमने ले लेना है इसका एयर टिकट का, 32,000 है, 32,000 का 5% लेके एडवांस टैक्स में हमने इसको ट्रीट करना है, और वो 5% जो है वो एंड पे हमारे टैक्स में से डिडक्ट हो जाएगी। तो समझ आई इसका, इस तरीके से हमने ये 32,000 का जो 5% होगा वो लास्ट पे एडवांस टैक्स हो जाएगा। हाँ जी एडवांस टैक्स हो जाएगा, और परचेज ऑफ डोमेस्टिक एयर टिकट की हमने कोई टैक्सेबल नहीं करना है इसको, ठीक है इसको हमने टैक्सेबल टोटली टैक्सेबल में नहीं लेके जाना। सर इसका 5% निकलेगा ना बस, जो 5% निकलेगा उस सिर्फ उसको हमने लेके जाना है कहां पे, टैक्स में, यस सर एडवांस टैक्स में, और उसको डिडक्ट कर देना है। देखो भाई परचेज ऑफ डोमेस्टिक एयर टिकट लॉजिकली देखो, अगर मेरे पास पैसे हैं तभी मैं टिकट खरीदूंगा ना। Yes, sir. ठीक है तो ये पैसे मैंने कहाँ से कमाए हैं, वो सैलरी से कमाए हैं, वो सैलरी को मैं पहले टैक्सेबल में लेके आया हूँ, तो मुझे दोबारा से इसको डालने की जरूरत तो नहीं है ना टैक्सेबल इनकम में। बीइंग लॉजिकल आपको अब समझ आ गई है कि आपके पास पैसे हैं तो आपने टिकट खरीदा है, और ये पैसे कहीं और से नहीं आ रहे, आपकी सैलरी से आ रहे हैं, आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। चलो सपोज अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है तो आपने ये टिकट खरीद लिया है, तो ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है, ये तो एक्सपेंडिचर है आपका, एक्सपेंडिचर ही है ना, खर्चा है आपका, एक्सपेंस है आपका, इनकम तो हो नहीं रही इससे, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आपने फिर कोई टैक्स पे किया है जिस जो कि एडवांस टैक्स है, और आपका एडवांस टैक्स वो कम हो जाएगा, माइनस करेंगे उसको जी। फिर आज का सेशन खत्म करें बेटा। यस सर जी सर ठीक है बेटा, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं हम,
और दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टूडे। और अगर क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और बेटा प्लीज कोशिश करिएगा कि रात के 10 बजे के बाद जो है वो मैसेजेस ना करें, ताकि आप भी सुकून से रहें और हम भी जो है वो सुकून से जो है अपनी टाइम गुजार लें। खैर जी, अब ये आज की हमारे पास टोटल एब्सेंटीज है 11 और आज का सेशन एंड करते हैं। जी वी आर गोइंग टू एंड द सेशन नाउ। तो सबसे पहले हम अल्लाह हाफिज बेटा, स्टॉप रिकॉर्डिंग।